सभी को पहले जय ज्योति कहना चाहूंगा और सभी मैं सबसे पहले नमन करूंगा महात्मा ज्योतिबा फूले को और माता सावित्री बाई फूले को नमन करूंगा। साथियों, माली समाज कम नहीं है, पूरे देश में कम नहीं है। कम रहता माली समाज, कम है, बहुत था माली समाज, लेकिन हमारे में एकता नहीं है, एकता की कमी है। हमारे माली समाज एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, बस यही कमी है। यदि हम फूल के माला को गूंथ सकते हैं, एक सारे फूल के माला को एक साथ गूंथ के और दूसरे का स्वागत कर सकते हैं, तो हमें स्वागत कराने नहीं आता। अरे साथी, सब एक हो जाओ और उसके बाद देखो ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको माला अपने आप आपके गले में पड़ जाएगी। मैं ज्यादा शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। एक आर्य बता दूंगा जो मैंने भी पहले भी बता दिया है कि आप एक गुरुजी ने क्या किया, एक स्टूडेंट चला गया गुरुजी के पास और गुरुजी ने कहा, शिष्य ने कहा कि शिष्य, गुरुजी मुझे एक तस्वीर बनाना सिखा दो। तो गुरुजी ने क्या किया कि उसे सिखा दिया, एक तोता की फोटो बना दिया और सिखा दिया। उसने गुरुजी ने कहा तुम परिपक्व हो गए, अब जाके तुम किसी भी मोड़ पर लगा दो और उसमें लिख दो कि इसमें यदि कोई कमी है तो उसको करेक्शन की जाए। दूसरे दिन क्या हुआ, जो हमारे जाति के लोग करते हैं, दूसरे दिन क्या हुआ, उसमें कोई कहे टांग टेढ़ा है जी, कोई कहे मुंह टेढ़ा है जी, कोई ये नहीं कहा कि ये बच्चे ने अच्छा तस्वीर बनाया, कोई किसी ने कहा टांग टेढ़ा, किसी ने हाथ कहा। बोला अच्छा गुरुजी, हम तो परिपक्व हुए नहीं, अब क्या करें। तो उस गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरे दिन इसमें लिख दो फोटो, यही लगाओ और लिख दो जी जो कलाकार इसको ठीक कर सकते हैं उसको ठीक कर दे और फिर वही लगा दो। उन्होंने एक ही शब्द लिखा कि भाई इस तस्वीर के नीचे जो करेक्शन करना चाहते हैं उस करेक्शन कर दे और तब मैं मानूंगा। तो दूसरे शाम को दूसरे दिन लगा दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा और तस्वीर ऐसे के ऐसे शाम को गुरुजी के पास ले जाएगा। बोला गुरुजी तस्वीर में तो करेक्शन किया नहीं। तो बोला भाई गलतियां निकालने वाले तो हजार मिलेंगे लेकिन उसको सुधारने वाला नहीं मिलेंगे। तो मैं माली समाज का एक बेटा होने के नाते मैं कहूंगा सभी एक हो जाओ, एक माला में गुंथ जाओ और अपने 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 कामों में एक होकर अपनी समाज को आगे बढ़ाना। राजनीति में जैसे बबलू मलाकार भाई हमारे राजनीति में है, जो व्यक्ति राजनीति में, बहन जी हमारे राजनीति में है, जो भी व्यक्ति राजनीति में है, आप उनके साथ सपोर्ट करो। आप नेता नहीं बन सकते लेकिन हमारे समाज से, हमारे जाति से नेता तो बना सकते। छोटी सी मैं कहानी बोलूंगा, जब हमारे भारत में अंग्रेज थे तो अंग्रेज जब पूरे गांव क्षेत्र में जब घूमते थे तो उन्हें एक अजीब सा चीज देखी, केकड़ा। केकड़ा जो समुद्र किनारे से चलता है, अब कई लोगों के खाते हुए देखा तो कह रहे भाई केकड़ा बहुत सब खा रहे हैं तो अच्छी चीज है नहीं। तो अंग्रेज ने क्या किया, एक विज्ञापन निकाला कि जो भी समाज के लोग केकड़े मेरे घर तक पहुंचाएगा, जो सुरक्षित पहुंचेगा उसको मैं मैंने प्राइज दूंगा, उसको अच्छा पद दूंगा, उसको यही इस तरह का हुई। तो उस केकड़े को ले जाने में कई समाज के लोग हुए कि हम ले जाए हमको पुरस्कार मिल जाए, हम ले जाए हमको पुरस्कार मिल जाए। जैसे राजपूत भुंडार बनिया जी से हमने ओबीसी लोग, तो जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे जो केकड़ा ले जाना है, अब जाएगा वो बाहर तो उसको कार्टून में पैक करना पड़ेगा। जो बुद्धिजीवी जो भी लोग थे कार्टून में केकड़ा को पैक कर दिया हर लोगों ने। और हमारे ओबीसी माली समाज के जो लोग था वो क्या किया कि ऐसे ही टोकरी में केकड़ा रख दिया। सब लोगों की जो भी केकड़ा का जो कार्टन था पेटी था एयरपोर्ट पर तो बुक हो गया। जब माली सैनी समाज के जब आदमी केकड़ा को लेकर गया कूड़ा बर्तन में तो वो कहा भाई बुक होगा नहीं, ये तो अगर हम प्लेन में जाएगा तो सारा बिखर जाएगा, सब लोग नष्ट कर देगा। तो हमारे सैनी और माली समाज के जो बंदा केकड़ा ले गया था क्या कहते हैं, सर ये माली सैनी समाज का केकड़ा है, एक बाहर निकलेगा दूसरा पैर धके खींच देगा, कहीं नहीं जाएगा। हमारे समाज में अभी तक यही हुआ है, ठीक है कि कोई भाई आगे बढ़ना चाहता है उसको पहले पैर खींचो, कमियां निकालो। हम समाज जो भी समाज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमसे कोई कहे कि ओम प्रकाश जी आप इनको नहीं पूछे, हम इनको नहीं पूछे, ये भाई आप ही उस समाज के हो तो आप हमारे साथ लग क्यों नहीं जा रहे हो। आप या हमारा बेटा बेटी की तो शादी है नहीं कि हम पूछेंगे, शादी शुदा शादी ब्याह में ऐसा होता है कि सगा भाई
लोग साथ बैठ के खाना खा रहा है, जब बराती की बात होती है सब लोग तैयार हैं, वो कहेगा हमको तो पूछा ही नहीं है, हम तो जाएंगे ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारा चीज है, समाज हमारी तरक्की तभी करेगी। सबसे मेरी कमी क्या है कि हम एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम सबसे आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे कि हम किसी को मानने के लिए नहीं चाह रहे। मेरा एक ही सिद्धांत है कि बबलू जी हो चाहे कोई भी हो, एक समाज के बंदा अपना एक ब्रांड बनाया है, वो आगे बढ़ना चाहता है। मैं जानता हूं कि इसमें लाख कमियां है, उसके बावजूद ही बंदा ने ऊपर तक अपना स्थान बना लिया है, तो समाज के नाते बंदा को धक्का लगा के ऊपर ठेल दो, एक ब्रांड बन जाएगा। किसी कंपनी के एक प्रोडक्ट का ब्रांड बन जाती है, ठीक है, उसके साथ 10 प्रोडक्ट और भी लहसुन हो जाएगा। जिस दिन बबलू मलका धुरंधर भाई सतीश जी हमारे उच्च पदों पर चले जाएंगे, हम भी कहेंगे भाई वो हमारा जात का है। आज हम बहुत गर्व से कहते हैं कि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है हमारे समाज से है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है हमारे समाज से। तो भाई इतना त्याग करना पड़ेगा, ठीक है, कमी सब में है। हम घर में मियां बीबी के साथ रहते हैं, जिंदगी कैसे चलती है, वो भी कंप्रोमाइज करती है, हम भी कंप्रोमाइज करते हैं, तो घर संसार और दुनिया कहा जाता है। तो समाज में ठीक है कंप्रोमाइज करके, हमको बहुत सारा ऐसा चीज है जो करवा से करवा चीज को पीना है कि समाज को आगे बढ़ाना है। और मैं इतना ही कहूंगा, सब लोगों ने समय निकाल कर आए, इसके लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग यही करना है कि अब हम लोगों को संगठन संगठन नहीं खेलना है, ठीक है, पद पद नहीं खेलना, कुछ नहीं, इसे ऊपर उठ के हमको करना है। जब तक आपकी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, आपकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जब तक आपके समाज में आपका गांव का लड़का वार्ड में जीतता है तो उसको आप मान सम्मान दो, कम से कम जिला में नहीं, मेरे छोटे से गांव का एक वार्ड में तो प्रसाद बना भी भाई, मुखिया बनता है उसको समर्थन करो, आप जिला परिषद बन उसको समर्थन करो, विधायक बनता है उसको समर्थन करो। हमारे बागेश्वर उर्फ बबलू मलाकार जी कई दिनों से मुझसे कई सालों से परिचय था, बहुत दिनों से है, तो क्या उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे संगठन करते रहेंगे, आपस में कुछ नहीं होना है, एक हम लोग एक बड़ा सा विजन लेके चलना है, जब तक हमारी ताकत नहीं दिखेगा, जब तक आपकी भीड़ नहीं देखी, जब तक आपकी टैलेंट नहीं दिखाया जाएगा, तब तक अगला आपको भाव नहीं देगा। आज हम कहते हैं कि लालू यादव की सरकार है, लालू यादव मालिया सैनी को कहां टिकट दिया, बीजेपी कहां दिया, भाई कोई पार्टी आपको टिकट नहीं देगी, मैं खोल के कर रहा हूं, स्लाइड आपको बनना पड़ेगा, ठीक है, कोई घर, अब घर में हम खाना रखा वहां तो नहीं उठाएगा तो कैसे खाइएगा। तो हमको गांधी मैदान में रैली करने का हम लोग का एक सुझाव यही है, अगर हम लोग कहीं है गलत हो कुछ भी आप लोग सुझाव दीजिए, इसीलिए हम लोग एकत्र हुआ है कि जब तक हमारी अभी तक यही बात हुई है कि बिहार में माली है या नहीं है, जो भी जैसे सक्या मौर्य कुशवाहा जो भी लोग हैं, हम लोग सब संप्रदाय सब लोग हैं, लोग बात यह आई कि बिहार में माली है नहीं, मेरा मन में आया जब माली नहीं है तो अपना माली के रैली कर क्यों नहीं लोगों को दिखा दे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता बंधुता एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।